इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। एक साहब थे, उन्होंने गूगल बना दिया, फिर किसी ने हॉटमेल बना दिया, एक और साहब थे, उन्होंने फेसबुक बना दी। अल्लाह मियां ने हमको अपनी किताब दी 1500 साल पहले, तकरीबन 1400-1500 साल पहले थी। उन 1400-1500 सालों में हमने 1.5 बिलियन लोगों तक अपनी किताब पहुंचा दी, कुरान शरीफ। लेकिन इंटरनेट के ऊपर सिर्फ 10 साल पहले एक साहब मार्क जुकरबर्ग आए और उन्होंने एक किताब अपनी बनाई, उसका नाम उन्होंने फेसबुक शक्ल की किताब रख दी। वो किताब उन्होंने 10 साल में 2 अरब लोगों तक पहुंचा दी और अगले 5 सालों में वो तकरीबन 3 अरब लोगों तक और पहुंचा देंगे। तो दुनिया में 5 अरब फेसबुक के यूज़र हो जाएंगे, जबकि कुरान के यूज़र जो हैं वो कम हैं। अब आते हैं कि इससे ये है क्या वाला। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप लोगों को नंबर एक पैगामात भेज सकते हैं लिखकर, नंबर टू चैट कर सकते हैं, यानी आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम लिखेगा, कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जवाब सलाम दुआ शुरू कर सकता है। तीसरा, आप उससे बात कर सकते हैं टेलीफोन के ऊपर, हेलो हेलो कैसे हैं अंकल, ठीक है सब चल रहा है, ये फ्री में बात कर सकते हैं। चौथा, आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उनको एक दूसरे के साथ देख सकते हैं, वो देखेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आप अपने मोबाइल पर उनकी शक्ल देख सकेंगे, वो आपकी शक्ल देख सकेंगे। पाँचवा, आप अपनी ज़िंदगी को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप जो कुछ देख रहे हैं, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ सीखी, आपको कोई अच्छी हदीस मिली, आपको कोई अच्छी बात मिली, आप उसके बारे में लिख सकते हैं, यानी ब्लॉग कर सकते हैं। अगला, आप किसी भी अच्छी सी फ़ोटो को जब आप लेते हैं उसको आप शेयर करते हैं, तो आपके जानने वाले और ना जानने वाले लोग उस तस्वीर को देख सकते हैं। उसके बाद आप फिल्म बना सकते हैं और आप फिल्म बनाने के बाद अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएंगे, जिस तरह मैं बना रहा हूँ, गटर बटर गटर बटर गटर बटर करेंगे, और वो गटर बटर जो है वो आप नशर कर देंगे फेसबुक के ऊपर, और जो भी लोग आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं वो उसको देख सकेंगे और उसको प्ले कर सकेंगे और उसको शेयर कर सकेंगे। उसके बाद अब उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट का फंक्शन दे दिया कि आप एक बटन दबाएँ और आपका मोबाइल एक टीवी स्टेशन बन जाता है और आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया बैठ के आपकी ब्रॉडकास्ट को जिस तरह टीवी का चैनल देखते हैं उस तरह से देख रहे होते हैं। ये लुब्बे लुबाब है फेसबुक का कि फेसबुक होती क्या है, ये उसके फंक्शंस हैं कि ये फेसबुक पे आप ये काम कर सकते हैं। जिस तरह से टीवी के ऊपर गंदे चैनल आ रहे होते हैं, उस तरह फेसबुक पर भी गंदे चैनल आ रहे होते हैं। अब अगर पॉपुलेशन गंदे लोगों की फेसबुक पर ज़्यादा होगी तो क्या नज़र आएगा, गंद नज़र आएगा। अगर पॉपुलेशन फेसबुक पे अच्छे लोगों की ज़्यादा होगी तो क्या नज़र आएगा, अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। अब हर तरह से, जिस तरह कागज़ है, उस कागज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ लोग कागज़ के ऊपर गंदी तस्वीरें बना देते हैं, कुछ लोग दुआ लिख देते हैं, कुछ लोग कुरान मजीद लिख देते हैं, ये तो कागज़ के ऊपर लिखने वाले के ऊपर है। तो फेसबुक खुद से कुछ नहीं करता, फेसबुक आपको वो जगह देता है कि आप अच्छा पैगाम, बुरा पैगाम, दिल की कुड़न जलन या अच्छी बातें जो दिल करे शेयर कर दें। पिछले ज़माने के अंदर कुछ भी लिखना बड़ा मुश्किल काम होता था, लोग किताबें लिखते थे, तसानीफ लिखते थे, उससे पीछे चले जाएं अगर सिर्फ 400 साल पहले तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो एक एक किताब को है लिखा जाता था हाथ से, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ 100 साल पहले चले जाएं तो प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, किताबें नहीं मिलती थी। आज हर आयरा गैरा नथु खैरा कोई भी हो वो फेसबुक के ऊपर जाता है और एक चाहे वो 2000 रुपये का मोबाइल एक ख़रीदे, उस पर जाए गटर बटर गटर बटर गटर बटर करे, भाई मेरा गटर बह रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम है लगाए, और उस वीडियो को उठा के बराक ओबामा जैसे इंसान के दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट तक को भेज सकता है पैगाम, और उसको रोकने वाला कोई नहीं। अब ये वो ताकत है जो कि बराक ओबामा के पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, और आपके पास भी सेम है। अब उस ताकत का इस्तेमाल, जिस तरह अल्लाह मियां ने हम सबको 24 घंटे दिए ना, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको 25 घंटे मिलते हों, कहें जी अमेरिका का प्रेसिडेंट है आपके लिए 1 घंटा बोनस है, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से बराबरी का सामान अल्लाह मियां ने हमारे साथ क्रिएट कर दिया, इसी तरह फेसबुक पर भी सारे के लोग कॉमन हैं। वही पावर आपके पास भी है, वही बराक ओबामा के पास भी ताकत है, वही रेहान के पास भी ताकत है, वही आरिफ के पास भी ताकत है। अब उस ताकत को हम जब अगर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, तो ज़्यादा लोगों तक जाएगी।
اور ہمارے پاس اب فیسیلٹی موجود ہے کہ ہم اپنی بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اب اگر اس فیسیلٹی کو ہم استعمال نہ کریں تو پھر کفران نعمت یہی ہوتا ہے میرے خیال میں. تو اگر آپ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں زیادہ تر لوگوں تک, تو آپ کہاں جائیں گے جہاں زیادہ آپ کو اپنا مال بیچنا ہے؟ تو آپ اگر ایسے مال میں جا کے دکان کھولیں گے جہاں پر روز کے 100,000 آدمی آتے ہوں تو آپ کا مال زیادہ بکے گا. اگر آپ ایسے مال میں جا کے دکان کھولیں گے جہاں پر روز کے 10,000 آدمی آتے ہوں تو آپ کا مال کتنا بکے گا؟ تو فیس بک پر روزانہ 1.5 سے 2 ارب لوگ آ جاتے ہیں اور اگلے 5 سال میں 5 ارب لوگ روز آ رہے ہوں گے, تو آپ کا مال کہاں بکے گا؟ آپ کی آئیڈیا کہاں زیادہ جلدی سرکولیٹ ہوگا؟ آپ کی بات زیادہ کہاں سنی جائے گی؟ فیس بک پر سنی جائے گی. اور ابھی بھی آپ اگر استعمال نہ کرنا شروع کریں اور اس پہ ایکسپرٹیز حاصل نہ کریں تو آپ کے دین کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا. تو استعمال شروع کیجیے. سب سے پہلا کام سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ گاڑی چلانی ہے تو بھائی کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور گاڑی چلانا شروع کر دیں. کتاب پڑھ کے تو گاڑی چلانا آئے گی نہیں. بالکل اسی طرح سے فیس بک بھی چلانے سے آئے گا. چلانا شروع کیجیے, 2-3 فلمیں ڈالیے, خوف کم ہو جائے گا. جیسے جیسے میری جو پہلی فلم تھی بڑی, میں بہت خوف زدہ تھا. آج خوف آہستہ 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 ختم ہو گیا. وہ خوف ختم ہو جائے گا, پھر آپ اچھی باتیں کریں گے, وہ پھیلے گی. انگریزی میں بات کیجیے, چائنیز میں بات کیجیے, اسپینش میں بات کیجیے, زبانیں تو آپ کو سیکھنی پڑیں گی, اور وہ ساری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائیں گی. یہ فیس بک کے یہ بیسکلی لب باب ہے فیس بک.